And then the next day I used to get a letter that maybe I'm not compatible enough to go to a school. People who got lower grades than me got admission. किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं होती, हाँ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला रास्ते भी बनाता है, गुड टाइम्स भी आते हैं, बैड टाइम्स में लड़ने की, उसको फेस करने की हिम्मत भी अल्लाह देता है। अच्छा, वो KBC और DHL ऑल्सो मेंशन ज़रूर किया हुआ है कि ऑल पब्लिक प्लेसेस शुड हैव एक्सेस लाइक रैम्स एंड एलिवेटर्स, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? बिकॉज पेनल्टीज नहीं है। अब्रॉड इफ़ आई गो आई कैन सू द ओनर कि उन्होंने मुझे बेसिक ह्यूमन राइट नहीं दिया। आई एम ब्लेस्ड टू हैव रियली नाइस फ्रेंड्स एज वेल। एंड देन जो मुझे थोड़ा सा हार्डशिप्स आई फ्रॉम सोसाइटी, ये एडमिशन्स के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, ठीक है कुछ टाइम अपसेट ज़रूर रही, लेकिन आई थिंक दैट हार्डशिप्स मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर। कोई बात है कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ हैज टू प्ले अ वेरी नॉर्मल रोल। लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे, लोगों को डिफरेंट ट्रीट ना करें। एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द हेल्थ टॉक। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, अ वुमन हु स्ट्रांगली बिलीव्स दैट स्पेशल पीपल आर नॉट डिसेबल्ड, इन फैक्ट दे आर स्पेशली एबल्ड। शी इज़ अ पर्सन हु हैज़ फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस इन हर लाइफ बिकॉज ऑफ अ फिजिकल लिमिटेशंस, बट दैट डिड नॉट स्टॉप हर। In fact, Farhat created an organization by the name Show You Care, which supports people who are specially abled. Let's get to know Farhat and more about her organization. Assalamu alaikum Farhat, how are you? Wa alaikum assalam, I'm good Sana, how are you? I'm good. Achha Farhat, aap mujhe ek baat bataiye, what are the barriers that you face as a specially abled person? In a country like Pakistan, the main issue over here is the proper mindset. यहाँ पे लोगों का मेन इज़ ये एटीट्यूड प्रॉब्लम। कोई भी स्पेशल बच्चे को या बड़े को लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकता। आई फील दैट दे कैन डू एवरीथिंग बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। और दूसरा मेन इशू है एक्सेसिबिलिटी का, कि कहीं पब्लिक प्लेसेस पे जाना हो वहाँ पे बहुत स्टेयर्स होती हैं, सो रैम्प्स और एलिवेटर्स इतने कॉमन नहीं है। व्हाट डू यू विश पीपल अंडरस्टूड बेटर अबाउट डिसेबिलिटी? The main thing I feel is that देखिए, in life is full of challenges. Everyone has limitations, everyone has certain issues, किसी के financial, किसी के emotional, किसी के family issues. अब जो कि physical limitations होती हैं वो visible होती हैं. So that doesn't mean कि आप किसी को sympathize करें. Sympathy is not at all good. आपको हमेशा किसी को देखें encourage करना चाहिए, motivate करना चाहिए. And I don't call anyone special or disabled. I call them differently abled. I think everyone can do anything in a very unique manner. अगर अल्लाह ताला किसी से एक चीज़ लेता है तो दो खूबियाँ देता है, तो उस खूबियों को हाईलाइट करने के लिए, उस खूबियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि people are not physically able, right? Their disabilities are invisible, whether it's in a form of ADHD or autism. तो how would you expect that people should react to them differently? ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अ स्माइल। आप किसी से ही मिलें, चाहे वो ऑटिज़म हो, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हो या फिजिकली इम्पेयर्ड हो, आप उसे नॉर्मल ट्रीट करें। यू ट्रीट देम लाइक इन अ वेरी स्माइलिंग मैनर। और हर चाहे वो कोई भी आपको लिमिटेशंस हो, उनमें कुछ ना कुछ ज़रूर टैलेंट होता है। सो वही जिसे मैंने कहा कि हमें किसी पर लुक डाउन नहीं करना चाहिए, किसी को सिंपथाइज नहीं करना चाहिए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सक रहे तो उनको एक नॉर्मल तरीके से इन अ वेरी लाइवली स्माइलिंग मैनर ट्रीट करें। दैट्स अ बिग थिंग आई वुड से दैट। हाउ शुड वी एक्चुअली ट्रीट पीपल हु आर विजिबली, मतलब यू नो देयर डिसेबिलिटीज आर विजिबल एंड इनविजिबल एज वेल। यू नो ज़रूरी नहीं है कि उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज नज़र आती हैं तो फिर हम उनको जज करें या देन वी रीच आउट टू देम फॉर हेल्प। सो उसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो किसी को अगर फिज़िकल लिमिटेशंस हैं और अगर आप किसी ओनर को जानते हैं या किसी अपनी आपकी कोई जगह है, सो लिटिल लिटिल बेबी स्टेप्स मैटर अलॉट। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्टिंग अ रैंप इज़ जस्ट 8-10,000 रुपीज़, नथिंग मच। विल बी कमिंग टू दैट आल्सो। या सो आप अगर वो रैंप बना लें तो आराम से अंदर जा सकता है, खुद काम कर सकता है। कोई अपॉर्चुनिटीज़ दे दें उसको वर्किंग स्टाइल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हियरिंग इम्पैक्ड होते हैं उनकी साइन लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वन यू सी दैम आपको फील नहीं होगा कोई प्रॉब्लम है। सो दे कैन डू एवरी थिंग वेरी वेल। जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो कॉल सेंटर्स पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
सो आप उनके टैलेंट को देखें, यू हायर देम ऑन मेरिट, यू सी व्हाट दे कैन डू, रादर देन यू नो सेइंग के ठीक है इसको स्पेशल एबिलिटीज है या वो कुछ नहीं कर पाएगा. असल में पाकिस्तान में इतने लोग कॉमनली दिखते नहीं हैं. हैं ज़रूर 10% ऑफ पॉपुलेशन आर स्पेशल पीपल, लेकिन क्या हमें वहाँ दिखता है कोई? बिकॉज लोग घरों में बंद हैं, लोग बाहर नहीं निकलते बिकॉज लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड इफ आई गो अब्रॉड आई कैन सी पीपल एवरीवेयर क्रॉसिंग रोड्स, गोइंग टू मॉल्स, गोइंग टू रेस्टोरेंट्स, हैविंग एजुकेशन, डूइंग जॉब्स. सो देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू फील दैट आई एम द ओनली व्हीलचेयर बाउंड पर्सन इन कराची बिकॉज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने हमेशा बाहर निकाला. लेकिन एज अ यंग एज आई यूज्ड टू फील दैट यू नो मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. बट व्हेन आई ग्रू अप आई यूज्ड टू गो टू विजिट हॉस्पिटल्स, विजिट सेंटर्स. सो आई सॉ लॉट्स ऑफ किड्स, आई सॉ लॉट्स ऑफ किड्स और जिनके पास वो वे नहीं है कि वो कुछ कर सकें. सो आई थिंक हमारा एक ऑब्लिगेशन है कि हम इनको एक नॉर्मल स्ट्रीम लाइन लाइफ दें, ये इंक्लूसिव सोसाइटी में लेके आए. टॉकिंग अबाउट किड्स, होता है ना कि इवन इन स्कूल्स आर नॉट लाइक देयर इज नो नॉट मच एक्सेसिबिलिटीज फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल्स, राइट? सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड एज अ चाइल्ड? As I mentioned that I am blessed with a wonderful family and my parents, my grandfather, my uncle, when they found out about my disease, obviously baat hai mujhe cerebral palsy by birth hai, so they were very very upset at that time. But mere saare ghar ke badon ne ye ek faisla kiya tha ki we will give Farhad a normal independent life. So in spite of having all resources like a good family support, no financial problem alhamdulillah, मुझे फिर भी एडमिशन में प्रॉब्लम आई. आई गॉट रिजेक्शन फ्रॉम स्कूल्स, स्कूल्स का तो मैंने आई गॉट फ्रॉम स्कूल्स नॉट डायरेक्टली, वो कोई डायरेक्टली नहीं बोलता कि आप व्हील चेयर पर तो हम नहीं कर सकें, लेकिन ऑब्वियसली बात है मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, एक ग्राउंड फ्लोर पे क्लासरूम्स, ठीक है यू नो बस ये एक प्रॉपर वॉशरूम वेयर आई कैन गो. सो बहुत मेजॉरिटी जगहों पर स्टेयर्स थे. सो जब मेरे फादर बात करते थे कि यहाँ पर रैम बना दें कर दें, तो वो इतने अग्रीएबल नहीं होते थे. एंड देन द नेक्स्ट डे आई यूज टू गेट अ लेटर दैट मे बी आई एम नॉट कंपैटिबल इनफ टू गो टू अ स्कूल. पीपल हु गॉट लोअर ग्रेड्स देन मी गॉट एडमिशन बट नॉट मी. बट अगेन सिंस माय फैमिली रियली वांटेड मी टू हैव नॉर्मल एजुकेशन, यहाँ पे एक माइंड सेट है कि स्पेशल चिल्ड्रन विल गो टू स्पेशल स्कूल्स. और पाकिस्तान की स्पेशल स्कूल्स भी कोई इतनी ख़ास नहीं है. Although I was mentally abled, मुझे कोई issue नहीं था, I could have studied very normally. So of course my parents wanted me to have a normal education. So they kept on knocking doors and then the doors opened, alhamdulillah. And I got my normal education, O levels CS से किया, A levels foundation से किया और BBA honors and MBA CBM से किया. इन तीनों institutes के principals बहुत अच्छे थे, they welcomed me and they saw that मैं पढ़ सकती हूँ. और मुझे कोई पढ़ाई में किसी की फेवर नहीं चाहिए थी, मुझे फेवर चाहिए थी इन टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेरा एक बेसिक ह्यूमन राइट है. और आप ग्लोबली कहीं भी जाओ ये कंपलसरी होता है एक बिल्डिंग प्लान का पार्ट होने में. सो इन तीन स्कूल्स ने यस मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया एंड आई हैड अ गुड लाइफ. बट ऑफकोर्स बीच में कुछ मोमेंट्स आए थे जब मुझे ओ से ए से शिफ्ट करना था या कुछ, तो मेरी ऑफकोर्स ख्वाहिश थी कहीं से पढ़ने की बट वो मैं नहीं कर सकी. लेकिन जहाँ से मैंने पढ़ा आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड बिकॉज इन द एंड आई ऑल्सो गॉट अ गुड जॉब एन यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड विच वॉज अ ड्रीम कम ट्रू. और जॉब में ही मैंने बहुत इशूज़ फेस किए कि मुझे जॉब्स की इंटरव्यूज़ में भी लोग बहुत ही इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते थे, लाइक दे न्यू दैट आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, दे न्यू माई सी जी पी ए, दे न्यू दैट आई हैव डन मास्टर्स इन मार्केटिंग, बट वो कुछ ऐसे क्वेश्चन करते थे जो बहुत डिस्करेजिंग था. जैसे कि कैन यू ट्रैवल इन ट्रेन्स, सो आपको पता है पाकिस्तान की ट्रेन्स कैसी हैं, यू कॉन्ट ट्रैवल इन ट्रेन. आम इंसान भी नहीं ट्रैवल करता. कैन यू मूव फॉर गुड टू मुल्तान? सो आई मीन आई सेड आई कैन गो टू मुल्तान फॉर कपल ऑफ डेज बट नॉट मूव फॉर गुड ओवर देयर. ऑन द अदर हैंड व्हेन यूनिलीवर हायर्ड मी दे वर वेरी वेरी कोऑपरेटिव. आई वॉज द फर्स्ट व्हीलचेयर बाउंड गर्ल इन द मल्टीनेशनल कंपनी, मेरे लिए वो कम्प्लीटली एक्सेसिबल कंपनी थी, आई हैड नो प्रॉब्लम. लेकिन उन्होंने मेरी उसका भी ख्याल रखा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो एक प्रैक्टिस करते हैं कि हाउ टू रन फास्टर, सो उन सब में भी हेल्प किया मुझे. इनफैक्ट ये तक भी पूछा
क्या कोई आपको पर्टिकुलर डेस्क चाहिए या पर्टिकुलर हाइट पे फोन्स चाहिए. सो आई वाज लाइक नहीं, मुझे कोई चीज़ इशू नहीं है, आई एम हैप्पी दैट यू गाइस हैव अ रैंप एंड एलिवेटर, आई कैन मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली ओवर हियर. इनफैक्ट वो डाइवर्सिटी पे बहुत बिलीव करते हैं, वो इंक्लूजन पे बहुत बिलीव करते हैं. सो इन एनी सेमिनार्स आई वॉज दी फ्रंट लाइन. मिलना बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन वहाँ मुझे बहुत अच्छा रखा. और यूनिलीवर के जो चेयरमैन थे उस वक्त एहसान मलिक, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में क्या कहा था, विच आई कैन ऑलवेज रिमेंबर, दैट आई एम नॉट हायरिंग यू बिकॉज ऑफ योर डिसेबिलिटीज, आई एम हायरिंग यू बिकॉज आई नो योर एबिलिटीज. सो विच मीन्स ही सॉ द पर्सन आई एम, ही सॉ माई टैलेंट, एंड देर वॉज नो सिंपथीज. द सिंपथीज आई गॉट ड्यूरिंग ऑल माई चाइल्डहुड. So it was, you know, all my efforts for 24 years, which I went through, my own physical limitations, my education life. In the end, when the person says that, it feels that, okay, someone is seeing my talent and someone is seeing what I am, rather than sympathizing on me. They appreciate you for what you are. Yeah. Or although mere friends ke paas 30-40 options the jobs apply karne ke liye, mere paas hardly kuch options the. बिकॉज यहाँ पे चाहे आप इंटरनेशनल बैंक्स ले लें, चाहे आप मल्टीनेशनल्स ले लें, चाहे फ्रेंचाइजेस ले लें, एजेंसीज ले लें, जो आपका सेम सेटअप करता है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, आर्किटेक्चरल कलर थीम फॉलो करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन लकी दैट आई गॉट गुड एजुकेशन, आई हैड अ गुड जॉब, एंड नाउ आई एम रनिंग माई फैमिली बिजनेस. Wow, Farhat, has it ever taken a toll on your mental health? अक्सर ये होता है ना, when you get rejected, आपको opportunities नहीं मिलती हैं and you know that you're worth it, but वो नहीं मिलती opportunities. So has it ever taken a toll on your mental health? And if it did, then how did you overcome it? What did you do? To be honest, yes, it did. And I think there is no harm to be upset. There is no harm to cry. It's a very human nature. Nobody is strong from day one. So during my teenager life, yes, I was a little shy and I used to feel that why me, because being on the wheelchair, I had issues much more than my friends. I studied from normal schooling, so there was no special person in my batch, I was the only one, in fact in my entire school. So normal atmosphere mein physical limitations ke saath पढ़ना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज आई वेंट थ्रू ट्रीटमेंट्स, आई वेंट थ्रू फिजियोथेरेपी एवरी डे, जहाँ बच्चे शाम में बर्थडे पार्टीज़ में जाते हैं, ठीक है, शाम में खेल कूद रहे होते हैं, लेकिन मेरे शाम में अक्सर अपॉइंटमेंट्स होते थे, मैं स्कूल में पढ़ती थी. लेकिन येस, माई फ्रेंड्स वर रियली नाइस थ्रू आउट. मेरे फ्रेंड्स चाहे स्कूल में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, जॉब में हो, दे वर लाइक अ फैमिली. एंड इनफैक्ट वो सारे प्लान्स वही करते थे जहाँ मैं जा सकूँ. एक यंग एज में जब बच्चा अर्ली टीन्स में होता है या अंडर टेन में होता है, उनमें इतनी समझ आना कि हम वो जगह जाएंगे जहाँ फरहत जा सकती है, और मेरी जाने की जगहें बहुत कम थी, और अगर कहीं जगह जाने की ना मिले, दे यूज़ टू कम टू माई हाउस, एंड माई मॉम वॉज ऑलवेज लाइक कि जितने बच्चे आएंगे आएंगे, हम लोग खिलौंगे सब गार्डन में आ जाए. सो वी ऑल यूज़ टू, यू नो, प्ले इन आर गार्डन, हैव फन आर गार्डन. सो उन्होंने मुझे कभी डिफरेंट फील होने नहीं दिया, उन्होंने मुझे कभी अलग फील होने नहीं दिया. सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव रियली नाइस फ्रेंड्स एज वेल. एंड देन जो मुझे थोड़ा सा हार्डशिप्स आई फ्रॉम सोसाइटी, ये एडमिशन्स के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, ठीक है, कुछ टाइम अपसेट ज़रूर रही, लेकिन आई थिंक दैट हार्डशिप्स मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर, एंड आई वॉन्टेड टू शो टू द वर्ल्ड दैट आई कैन डू व्हाट आई कैन. एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह विद माई अचीवमेंट्स, अब मुझे कोई सिंपथाइज नहीं करता, अब दो हो रहा है, अब नहीं मुझे कोई बोल सकता, और अब मुझे कोई पूछता भी है कि व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव, आई से इट वेरी ओपनली दैट यस आई हैव दिस लिमिटेशंस, आई एम नॉट शाय एनफ टू से दैट. पहले होता था, बट अब, और अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब कोई इतने क्वेश्चंस करता भी नहीं. आई थिंक आवर सोसाइटी आल्सो हैज मैच्योर्ड एट सम लेवल, एंड आजकल तो इतने चेंजेस आए हैं जहां पे यू नो वी ओपनली टॉक अबाउट everything. I feel that even about mental health, people now openly talk about it, right? They don't shy away from it anymore. Yeah. Okay, Farhat, one more thing. We're well aware of the efforts that you make in creating ramps, you know, because
ऑब्वियसली आप एक ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे आप समझती हैं कि बाकी भी जो भी आते होंगे उनको भी तो ये प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, अगर कोई व्हीलचेयर में है, रादर देन उनको उठाकर सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाएं एंड यू नो उनकी डिसेबिलिटी का उनको एहसास दिलाया जाए, आप रैंप्स क्रिएट करती हैं. सो कैन यू टेल अस मोर अबाउट इट? या डिड दैट स्टार्ट, यू नो? आई हैव बीन फेसिंग दिस इशू सिंस आई वाज बोर्न हियर. इट वाज वेरी इजी टू मूव अब्रॉड एंड यू नो गेट सेटल्ड ओवर देयर. Lekin I wanted to bring a change in Pakistan. I always felt that if Allah has blessed me with a family support, with good friends support, then I should do something for others. Because when I used to go to hospitals for treatments or to make any Air Force braces for my legs and feet, I used to see a lot of kids, you know, just over there. I realized that there are people. It's not just me. It's just that they don't have the chance to move on. And basically, the ones who are underprivileged, उनकी थोड़ी सी फैमिली भी कंजर्वेटिव होती है, दे फील रियली सैड दैट हमारे यहाँ क्यों ऐसा बच्चा हुआ. तो ये सोच ठीक नहीं होती, वही बच्चा आपके लिए वंडर्स कर सकता है. सो दैट्स व्हाट आई फेल दैट आई वांट टू बी द वॉइस फॉर ऑल द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल इफ़ आई हैव द रिसोर्सेज एंड द मींस एंड द फैमिली सपोर्ट. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अ कैंपेन, अ ग्रुप एंड आई शो यू केयर, जिसमें मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ही मेरे साथ हैं. हमने सेमिनार्स किए, लूज टॉक किए, प्लेस किए हैं, और मैं पर्सनली कन्विंस करती हूँ रेस्टोरेंट्स में, सैलॉन्स में, कि यू नो एजुकेशन डेफिनेटली इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, अर्निंग लाइवलीहुड योरसेल्फ इंडिपेंडेंटली इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज घर बैठे बैठे एनीवन कैन गेट फ्रस्ट्रेटेड. द वन हु इज़ मेंटली केपेबल वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो सारा घर में बैठेगा आफ्टर मैच्योर एज. एंड थर्डली यस, एवरीवन हैज़ अ राइट टू पार्टी एज वेल. सो आई थिंक सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है. सो हमने फिर कुछ रेस्टोरेंट्स ओनर्स वगैरह को भी रैंप्स वगैरह के लिए कन्विंस किया. बट पहले मुझे लगता था कि मुझे शायद छोटे इलाकों में या स्मॉल जो इतने एजुकेटेड अब नहीं हैं उनको मुझे अवेयरनेस देनी पड़ेगी. बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस वर्क आई वाज सरप्राइज्ड दैट इवन द लिटरेरी सर्कल इज नॉट अवेयर अबाउट दैट. लाइक यहाँ के जो ओनर्स जो बिल्डिंग में करोड़ों रुपये लगा देते हैं, जो आई एम श्योर ग्लोबल ट्रैवल करते होंगे, जहाँ व्हील चेयर साइंस वो देखते हैं, जहाँ लीगल लॉज भी हैं, उन्हें भी चीज़ का एहसास नहीं है कि उनको ये चीज़ देनी चाहिए. सो पढ़े लिखे तबके को भी समझाना एक काम है, और ये काम ऑन गोइंग है, बिकॉज पाकिस्तान में वैसे ही इतने इश्यूज हैं कि इस चीज़ को बहुत निगलेक्ट किया गया है. और पाकिस्तान में एक चीज़ का मसला है कि जब तक किसी अपने को प्रॉब्लम नहीं होती, कोई रियलाइज़ नहीं करता इस चीज़ को. जब किसी अपना आई मीन क्लोज ब्लड को इशू होता है, तब उनकी आंखें खुलती हैं, अदरवाइज औरों के लिए वो नहीं सोचते. या सो दैट्स व्हाई स्टार्टेड शो यू केयर दैट आई वांट टू बी द वॉइस फॉर एवरीवन. बट व्हाई डू वी नॉट गेट टू सी एक्सेसिबिलिटी फॉर द स्पेशली एबल्ड इन पाकिस्तान? एंड एक्सेसिबिलिटी आई मीन लाइक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, ठीक है? नॉट एवरीवन इज़ प्रिविलेज्ड इनफ टू बाय लाइक अ हाई एंड व्हीलचेयर. आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी ख़राब है, बिल्डिंग्स में हम देखते हैं एक्सेसिबिलिटीज़ नहीं है, ऑफिसेज में नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को नहीं मिलती है. अक्सर आप देखेंगे ड्रामा सीरियल्स हो गए, उसमें व्हीलचेयर बाउंड लोगों को नहीं दिखाते, या अगर दिखाएंगे तो बहुत एक माइनॉरिटी के तौर पे उनको दिखाएंगे. ऑफिसेज में जॉब्स नहीं मिलती, वाई? उसकी वजह ये सना कि मैंने सारे लॉज पढ़े हुए हैं जो US, UK, पाकिस्तान के लॉज हैं. हमारे लॉज में चाहे वो KBC और DHA लॉज हो, मेंशन ज़रूर किया हुआ है कि ऑल पब्लिक प्लेसेस शुड हैव एक्सेस लाइक रैम्स एंड एलिवेटर्स, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता. इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? बिकॉज पेनल्टीज नहीं है. अब्रॉड इफ़ आई गो आई कैन सू द ओनर कि उन्होंने मुझे बेसिक ह्यूमन राइट नहीं दिया. इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग प्लान. यहाँ पर लेजिस्लेशन पास होने चाहिए जो कंपल्सरी करें, मैंडेटरी करें कि नो बिल्डिंग प्लान विल बी पास अनलेस एंड अंटिल दैट व्हील चेयर एक्सेस. वो चीज़ यहाँ पे अब पेनल्टी के बगैर तो कोई काम नहीं होता, और दुनिया में हर जगह पेनल्टीज है. आप एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल नहीं ब्रेक करेंगे ना, तो इतनी हाई पेनल्टी होगी कि इवन अ हाई एंड पर्सन कैन नॉट अफोर्ड दैट. यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है, और डंडे के बगैर तो कोई काम काम नहीं करती. सो यहाँ वो चीज़ बहुत लैकिंग है. सेकेंडली प्राइवेट ओनर्स को ये दो चीज़ें हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को साथ रोल प्ले करना पड़ेगा. पब्लिक सेक्टर को कंपल्सरी करना पड़ेगा कि वो लॉ पास करें, मेकिंग इट मैंडेटरी. प्राइवेट सेक्टर को खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ देनी है. कुछ लोग कहते हैं कि हम रैम्प्स बनाते हैं लेकिन हमें ऑब्जेक्शन करते हैं. और फॉर एग्जांपल आई लिव इन डिफेंस,
Defense is a very high-end posh area. If you ask me, I don't like it. Because यहाँ पे कोई facilities नहीं है, कोई infrastructure नहीं है, और यहाँ पे लोग यही कहते हैं कि DHA वाले हमें ramp नहीं allow करते because यहाँ पे space occupy होती है तो वो allow नहीं करते. So why? ये तो एक बड़ा area है, literally सब पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ पे तो वैसे ही पानी के भी और चीज़ों के भी इतने मसले मसाइल हैं, नहीं होने चाहिए. हर चीज को तो आई थिंक विलेजेस में इतने नहीं होते exactly. शहर में रह के फेस तो अब इस जैसे बड़े इलाके में ये इशू है तो बाकी इलाकों को भी आप कैसे इतना वो भी होने चाहिए सही. यू आर राइट, विलेजेस वगैरह हर जगह एक्सेस होना चाहिए. मेरा तो ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान को एक्सेसिबल करें. सो वही बात है कि कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट लेवल से आपको लॉ चाहिए होगा रिगार्डिंग बच्चे क्यों बाहर नहीं आते, क्यों मीडिया में नहीं है, क्यों जॉब्स नहीं कर रहे. बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन एज, फॉर एग्जांपल आफ्टर व्हेन अ चाइल्ड बिकम्स 10 ईयर ओल्ड और 12 ईयर ओल्ड, अ मदर कैन नॉट कैरी अ चाइल्ड. हर कोई अपनी वैन अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए करके आपको एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट चाहिए. यहाँ पर तो अगर कोई आप व्हील चेयर को छोड़ें, कोई बंदा अगर लिंप भी करता हो, पोलियो पेशेंट्स होते हैं जो क्रचेस पे होते हैं, उसके लिए भी बस नहीं रुकती, वो रैश ड्राइव करके निकल जाता है. मेरी एक फ्रेंड है हु इज फ्रॉम अ लो इनकम ब्रैकेट, सही, वो उसके फादर को फियर था कि मेरी बेटी गिर जाएगी अगर वो जाएगी तो. उनके फादर ने उसको घर बैठ के पढ़ाया, उसने प्राइवेट एजुकेशन से मैट्रिक किया, बट अगेन वो उसको एक्सपोजर नहीं मिला, वो स्कूल का फ्रेंड सर्कल वो एक्सपोजर उसको नहीं मिल पाया. पर उसके फादर भी कॉशियस थे कि उसको चोट ना लग जाए. नो पेरेंट्स वुड वॉन्ट देयर चाइल्ड टू गेट इंजर्ड, पर यहाँ पर ये चीज़ लोग ध्यान नहीं रखते. तो ऑब्वियसली बात है, आफ्टर अ सर्टेन एज अ मदर कैन नॉट कैरी अ चाइल्ड, तो उसके लिए स्टार्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन, कि आपका इतना फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट हो कि वो बंदा इंडिपेंडेंटली जा सके. फिर वहाँ जहाँ जा रहा है, इवन लाइक इफ़ आई हैव ऑल द रिसोर्सेज टू, और मैं कहीं जाऊँगी जहाँ सीढ़ियाँ होंगी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी. आई डोंट लाइक मैन टू कैरी मी, इट्स वाई शुड दे कैरी मी, इट्स रिस्की ऑल्सो एंड आई डोंट लाइक इट एज़ वेल. मैं बहुत जगहों पर नहीं जाती, बट इट्स फाइन, आई एम फाइन, आई गो वेरेवर आई कैन इंडिपेंडेंटली. मैं मेजॉरिटी रेस्टोरेंट नहीं जा सकती, मेरे पास स्कूल के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, मेरे पास यूनिवर्सिटी के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, जॉब के बहुत कम ऑप्शंस थे. लेकिन अगेन एवरी डे ऑल्दो आई कैन टेक गार्ड्स, आई कैन टेक ड्राइवर्स टू कैरी मी, लेकिन वाई आई डोंट वॉन्ट टू एनी वन टू कैरी मी. तो ऑब्वियसली बात है कि लोग उनको लेके नहीं आना चाहते. प्लस अगेन मेरी तो ख्वाहिश है कि इनफैक्ट हम SYC में काम भी कर रहे हैं और हमने कुछ लोगों को जॉब्स भी दिलाई हैं कि लोग ऑन मेरिट अप्लाई करें, जॉब्स करें, और इस तरह से ड्रामा सीरियल्स में भी आए. सो जैसे मैंने वही कहा कि सब में डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं और वो सब काम कर सकते हैं. उनको अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, उनको इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, एंड देन दे कैन डू वंडर्स. अग्रीड. हाउ कैन वी क्रिएट एन इंक्लूसिव सोसाइटी for the specially abled people? Just treating them normally, and private and public sector both has to play a very normal role. Hamare yahan job quota hai lekin implement nahi hota, execute nahi hota. If the bill has been passed and hai, but kyun nahi implement? Log kaise aayenge sana, log apne ghar se niklenge kaise, transport nahi hai, access nahi hai. Jab log nahi aate to 5% mein koi aur bhar dete. अब बोलते हैं कैसे बच्चे आते नहीं है हमारे पास, अब बच्चे आएंगे कैसे. व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर दिस, मुझे किसी ने जॉब ऑफर की थी, मैंने उनसे कहा था कि आई एम हैप्पी वेयर आई एम वर्किंग, प्लस आई एम डूइंग माय फैमिली बिजनेस राइट नाउ, आई हैव माय ओन राइस ब्रांड द नेम ऑफ शहनशाह राइस एंड आई एम एक्सपोर्टिंग राइस ऑल्सो. बट आई वॉज हैप्पी व्हेन आई गॉट अ कॉल दैट वॉज लाइक ए फाइन, आई एम हैप्पी यू आर कीन टू हायर अ डिफरेंटली एबल पर्सन, दे लाइक आप हमें ढूंढ के दें कोई मास्टर्स या CA के अलावा. अब जो बच्चे को एडमिशन स्कूल में नहीं मिल रही, वो मास्टर्स तक कैसे पहुंच सकता है. और मेरे पास सब रिसोर्सेज होते हुए मुझे स्कूल से रिजेक्शन आई है. इवन आई फेल्ट एट अ टाइम कि मुझे प्राइवेट घर पर पढ़ा पड़ेगा, वो तो मेरी एक ओपन माइंडेड फैमिली है, दे हैड अ एम दैट दे वांट मी टू हैव. बिकॉज लोग इतने कभी कभी फाइनेंशली डिप्राइव्ड होते हैं, कंजर्वेटिव फैमिली से होते हैं, कि मदर्स गिव अप कर देती हैं, कोशिश ज़रूर करती हैं, लेकिन वो अपने हालात से इतने मजबूर होती हैं कि वो बार बार नॉकिंग नहीं कर सकती. सो वो इतना इजी नहीं होता. फिर हमने ऑफिसर को रिक्वेस्ट करी कि भाई जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, उनको भी आप चांस दें कि
कि वो भी काम कर सके, बेशक ऑन अ स्मॉलर वर्क लेवल, पर एटलीस्ट वो बिजी रहेंगे, वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकेंगे. सो यस, देयर आर सर्टेन कंपनीज आर स्टार्टेड गिविंग जॉब्स. सो वही बात है कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ हैज टू प्ले अ वेरी नॉर्मल रोल. लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे, लोगों को डिफरेंट ट्रीट ना करें, एंड जस्ट सी देयर टैलेंट. आई वुड से दैट. थैंक यू सो मच फरत फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस, एंड वी अप्रिशिएट यू एंड योर एफर्ट्स. व्हाट इज दैट वन मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव आउट to everyone in general, like even the government or anyone who has somebody who's disabled in the family, somebody who doesn't have anyone who's disabled in the family, ek kya message aap dena chahenge? Because it, you know, it's Disability Awareness Day. I would say that differently abled people are gifts from Allah, and nobody should get upset when you have that child. I have seen my parents who have given me unconditional love, unconditional time, and because of them today I am who I am right now. So बहुत वक्त देना पड़ता है, बहुत सपोर्ट देना पड़ता है, लेकिन I would say कि यही बच्चे आपकी फैमिली में भी और इस कंट्री की इकनॉमी के लिए भी, ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये दिस लाइफ इज़ एन एग्ज़ाम, इट्स हाउ यू पास. सो अगर एक चैलेंज अल्लाह की तरफ से आया है, उससे डिसअपॉइंटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, उसको डील करना है पॉजिटिवली. नॉट ओनली पॉजिटिवली बट अ वेरी स्माइलिंग मैनर. आप पे कोई अगर सिंपथाइज भी कर रहा है, यू शुड नॉट अलाउ देम टू सिंपथाइज. आई एम दैट सॉर्ट कि आप उसको हंस के मुस्करा के जवाब दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जो बंदा आप पे सिंपथाइज कर रहा है, उसके भी इशूज़ होंगे. किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं होती. हाँ, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला रास्ते भी बनाता है, गुड टाइम्स भी आते हैं, बैड टाइम्स में लड़ने की, उसको फेस करने की हिम्मत भी अल्लाह देता है. सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट हु यू आर, नेवर एवर सिंपथाइज ऑन एवरी एनीवन, एंड मूव ऑन इन लाइफ. इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव माइंड, इफ़ यू हैव अ यू नो कॉन्फिडेंस टू हु यू आर एंड योर टैलेंट, देन यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ. थैंक यू.